जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। भीषण सड़क हादसा पिकअप और ट्राले में आमने सामने की टक्कर होने की वजह से हुआ। दोनों वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई, वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस से सभी 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह भीषण हादसा अफजलपुर के पास हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। उनके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। कानपुर से घाटमपुर की तरफ आ रही पिकअप और घाटमपुर से नवस्ता की तरफ जा रही डंपर में अफजलपुर मोड़ थाना क्षेत्र विधनु अंतर्गत हुई दुर्घटना हुआ। की गई कार्रवाई के संबंध में रविंद्र कुमार पुलिस उपायुक्त दक्षिण महोदय द्वारा क्या जानकारी दी गई है, आइए आपको सुनाते हैं। विराट 24 न्यूज के लिए सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। परिवार के दिनांक 13/9/2023 को UPS 12 के माध्यम से थाना विधनु पर एक सूचना प्राप्त हुई कि अफजलपुर मोड़ के हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर UPS 112 और जैसे जो विधनु अपने दोस्त के साथ तत्काल प्रभाव से मौके पर गए और वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे जो लोग एक्सीडेंट से घायल थे उनको तत्काल प्रभाव से CHC विधनु लाया गया। वहाँ पर CHC विधनु के डॉक्टर के द्वारा 4 लोगों को घोषित कर दिया गया। जो लोग घायल थे उनको बेहतर चिकित्सा उपचार हेतु एम्बुलेंस और तत्काल प्रभाव से ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए हाईलाइट अस्पताल में रेफर किया गया। वहाँ पे उनको एडमिट कर दिया गया जहाँ पे उनका इलाज चल रहा। जो चालक था डंपर का और जो डंपर की जो पुलिस की हिरासत में रखी जा रही है और जो इसमें तहरीर दिया जाएगा उसको तहरीर के लाभ करना पूरी करके सुनिंग विधि करवाई सुन सकता है। हाईलाइट अस्पताल में कुल कितने घायल आए हैं? यहाँ पे जो है 8 लोग हैं अभी एडमिट हैं और उनका इलाज जो चल रहा है। डॉक्टर साहब से बात हुई, उनका बेहतर किसी उपचार के लिए बात कर लीजिए। उनके घटना कैसे क्या हुई जानते हैं? ये एक पिकअप कानपुर से घाटापुर की तरफ जा रही थी और एक जो डंपर था वो घाटापुर से कानपुर की तरफ में आ रही थी और इसी दौरान में जो है जो जलपुर जो है हाईवे वहाँ पे जो है ये